अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ। ये मेरा बैग है मेरे पास। अभी मैं रिक्शे से नीचे उतरी हूँ, हिबा चले गई घर में और मैं भी जा रही हूँ घर। और बाहर मौसम इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, मैंने फटाफट मोबाइल पकड़ा और मैंने सोचा आज मैं बाहर से व्लॉग स्टार्ट करके फिर घर के अंदर जाऊँगी तो आपको दिखा दूँ। वैसे तो ये बारिशें पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान का मौसम आजकल बहुत ही खुशगवार है, बहुत मज़ा आ रहा है। दिल कह रहा है बाहरी चेयर रख के इधर ही बैठ जाऊँ थोड़ी देर, लेकिन अंदर जाती हूँ, मम्मी से सलाम दुआ करती हूँ और देखती हूँ सब क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए अम्मी बैठी हुई हैं और ये अगली काम कर रहे हैं। बाहर मौसम इतना प्यारा हो रहा है अम्मी। अभी मैं आई हूँ फातिमा के साथ, बहुत अच्छा मौसम है। तबीयत कैसी है आपकी? गाइस, अम्मी और गनी गए थे थोड़ा सा सौदा वगैरह लेने और मैंने करनी थी फातिमा के साथ मिलके थोड़ी सी एनिवर्सरी की प्लानिंग, लेकिन मैं लीना के साथ ही बैठी हुई थी इसीलिए मैं थोड़ा सा बहाना बना के बाहर आई हूँ। फातिमा पार्क थी तो मैंने सोचा कि फातिमा घर आए और मैं बात करूँ उससे पहले कि गनी लीना को पता लगे कि हम एनिवर्सरी के हवाले से क्या क्या सरप्राइज़ प्लानिंग्स कर रहे हैं। तो मैं आ गई पार्क में ताकि फातिमा के साथ मिलके कुछ गिफ्ट पैकिंग की मैंने बात करनी थी, वो सारा कुछ फातिमा के साथ शेयर कर लूँ और अलीना का शक ना हो। गाइस ये देखें डूबता हुआ सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। गाइस ये देखें पार्क के अंदर बकरियाँ सारे गार्डन के प्लांट्स को ख़राब कर रही हैं। वो कहाँ है, कोई है नहीं यहाँ पर इनको हटाएं, ये तो इतने खूबसूरत प्लांट है सारे खा जाएंगी। हिबी ये सींग मार देती हैं। फ्रेंड्स हिबा गई थी घर ज़रा वॉशरूम यूज़ करने, अब आ गई हैं हिबा और फातिमा के साथ। मेरी प्लानिंग हो गई है पूरी पूरी, तो बस बच्चे थोड़ा सा खेल लें फिर हम जा रहे हैं घर, क्योंकि मुझे डिनर भी बनाना है और मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोपहर का खाना जो है वो सालन अम्मी बनाती है, रोटी वगैरह अलीना बनाती है। इसके अलावा भी रोटियां जब बनी हो वो अलीना की ड्यूटी है, लेकिन राइस बनने हो या वैसे कोई सालन बनना हो तो वो बनाना मेरी ड्यूटी है। तो आज हम बना रहे हैं बीफ का यखनी पुलाव, तो वो मैं बनाऊँगी और पैकिंग भी करनी है जो मैंने आपको दिखानी भी है। तो बस बच्चे थोड़ा सा खेल लें, मगरब की अजान भी होने वाली है, लेकिन मौसम इतना प्यारा हो रहा है घर जाने को दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन काम बहुत ज़्यादा है इसलिए हम जाएंगे टाइम से घर ताकि टाइम से काम करके फ्री हो, क्योंकि कल है वर्किंग डे, सुबह भी जल्दी उठना है। जी गुड़िया, इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाना है। फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ ऊपर और फातिमा का वेट कर रही हूँ। फातिमा जैसे ही आते हैं हम गिफ्ट पैक करते हैं, गिफ्ट में लेके आ गई हूँ। ये देखें ये फ्रेंड्स रखे हुए गिफ्ट, ये है कनी का ड्रेस, ये है अलीना का और ये मेरी और हिबा की तरफ से हैं। वो है कवर्स और ये मेरे बैग पे जो अलमारी आपको नज़र आ रही है, गिफ्ट पैक करके हम यहाँ पे रख देंगे बच्चों की मोहर से दूर और हफ्ते वाले दिन इनको बाहर निकालेंगे। फ्रेंड्स ये एक गिफ्ट हमारा पैक हो गया है और इसको मैं रख दूंगी इस बैग में। अभी ये मैंने पकड़ लिया है दूसरा गिफ्ट, ये देखें, और इसको करने लगे हम पैक। और ये फ्रेंड्स कवर्स जो है वो इतने स्लिपरी हैं, इनके ऊपर टेप भी जो है वो नहीं चिपक रही है, बड़ी मुश्किल से इनको पैक करना पड़ रहा है। पहले इनकी सेटिंग कर लेते हैं, सारी इनकी सेटिंग कर लेते हैं और फिर इनको टेप करेंगे। ऐसे नहीं है सेट हो रहा तो ऐसे होगा। ज्यादा सारी टेप करनी है क्योंकि ना ये स्लिपरी है, दोनों तरफ से यूज हो सकती है। नहीं वो सिर्फ उल्टा आएगा, इस तरह से सीधा आएगा। ओके कुछ शीट ऐसी भी होती है ना जो डबल यूज होती है, ये भी हो सकती थी बट इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है इस तरह से नहीं होगी। लव 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 ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली हो गई है पैकिंग और इसको मैं रख रही हूँ बैग के अंदर।
रख देंगे अलमारी के अंदर। गिफ्ट्स वगैरह पैक करके पैक रखी मैं अलमारी में, और ये हम निकालेंगे हफ्ते वाले दिन। थैंक यू सो मच फातिमा। ये गाइस चोरी चोरी फातिमा ने और मैंने ऊपर आके गिफ्ट पैक कर लिया, किसी को पता भी नहीं चला। फ्रेंड्स मैंने रख दिया खाना पकने के लिए, ये आपको दिखाती हूँ। ये देखें पुलाव पक रहा है और ये कढ़ाई के अंदर कौरमा बना के रख दिया है, और आपको कौरमे की शक्ल दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, और ये मैंने थोड़ा ज़्यादा करके बनाया है क्योंकि अम्मी की तबीयत आजकल सही नहीं चल रही है, ताकि कल दोपहर को अम्मी को सालन ना बनाना पड़े। बस अलीना रोटी बना लेगी तो हम इसी के साथ लंच कर लेंगे। तो अभी पुलाव रखा है, जैसे ही दम पे रखती है उसके बाद बर्तन वगैरह निकाल के हम रखेंगे। अम्मी मैंने कौरमा कल दोपहर तक का बना लिया है, हाँ ये गुड आइडिया अम्मी का, क्योंकि पहले निकाल के रख दूंगी वरना इन पे सारी रौनक वगैरह जो है उसकी वो कम पड़ जाती है, सालन की शक्ल जो खराब हो जाती है। कल के लिए अम्मी दो तीन प्लेट, हमें सिर्फ लंच के लिए दो प्लेट सालन चाहिए होता है, वो मैं निकाल के रख दूंगी। और आज के व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करूंगी, अम्मी मेरे साथ व्लॉग एंड करवा दे। ये गाइस पीछे बैठी हुई है मेरी अम्मी, आज का व्लॉग अम्मी एंड करेंगी जी इंशाल्लाह। फायदा बहुत मेहनत होता है, बहुत तवज्जो के साथ बनाती है। प्लीज 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 फायदा का लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। यस गाइस जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बच्चों सारे मिलके बाय बाय करते हैं।